आपके पास रेडमी का कोई भी स्मार्टफोन है, उसमें आप जानना चाहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है रेडमी के स्मार्टफोन के अंदर, और आप कैसे सुन सकते हैं या फिर उसे आप कहीं पर भी सेव कैसे कर सकते हैं या उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लिख दीजिए कमेंट में, और बेसिकली सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँगा ही, अगर जो भी रह जाए तो मैं कमेंट में आपको कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट करेंगे उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास रेडमी का कोई भी स्मार्टफोन है, उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं कहाँ पे सेव होती है। देखो, जितने भी रेडमी के न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको गूगल का डायलर का देखने के लिए सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, सिंपल से उसी डायलर पर आपको टैप करना है। जैसे आप उस पर टैप करते हैं और वहाँ पर जिस भी नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, जहाँ पर आपको सेव हुई मिलेगी पहले से, तो बस उस नंबर पे, जैसे कि ये रीसेंट पे नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, रीसेंट में या फिर फेवरेट में, ठीक है, कहीं पर भी वो नंबर है, कॉन्टैक्ट में भी है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर पे इस तरीके से टैप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने का भी ऑप्शन मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव के अंदर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, और यह व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो लिसन टू रिकॉर्डिंग जहाँ लिखा होगा तो वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल से उस बॉक्स पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं जितने भी रेडमी के न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें। अगर ओल्ड स्मार्टफोन आपके पास है तो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर एक होगा रिकॉर्डर का, ये देख सकते हैं रिकॉर्डर का, रिकॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे या थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, फिर यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। फ़िलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में, था वीडियो कैसी लगी कमेंट पे हमें एक बार ज़रूर बताएँ।